ना इधर ना उधर सीधे मुद्दे पर नजर। क्या है आज की खबर? आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज 18, आपके पुनीत के साथ। बंगाल में क्या चल रहा है हम सभी को मालूम है। लोगों में वहां की सरकार को लेकर भी कहीं न कहीं गुस्सा बना हुआ है, खासकर तब जब सरकार में रहते हुए भी ममता बनर्जी इंसाफ की मांग करते हुए खुद सड़क पर उतर आई उसके बाद से। दरअसल कोलकाता के आर्चकर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर से रेप और फिर उसकी हत्या के मामले में लगातार कुछ न कुछ अपडेट सामने आ रहे हैं। सीबीआई पूरे मामले की जांच अपने हाथ में ले चुकी है और कई लोगों से लंबी पूछताछ का क्रम भी लगातार चल रहा है। इस बीच मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने भी न केवल मामले पर संज्ञान लिया बल्कि मामले में बंगाल की सरकार पर भी कई सवाल उठाए और कड़ी टिप्पणियां की। क्या कहा कोर्ट ने ये तो बताएंगे, लेकिन दूसरी तरफ एक नया घटनाक्रम भी हुआ और जो हुआ वो अब सियासी गलियारों में खूब चर्चा बटोर रहा है। सवाल है कि क्या ममता सरकार को बर्खास्त किया जा सकता है? क्या वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है? दरअसल मेडिकल कॉलेज में जो घटना हुई उसके बाद पूरे देश में गुस्सा और प्रदर्शन दोनों का दौर जारी है। डॉक्टर्स भी प्रदर्शन पर हैं। इस मामले में राज्यपाल पूरी नजर बनाए हुए हैं और न केवल नजर बनाए हुए हैं बल्कि काफी एक्टिव भी हैं। बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने 15 अगस्त को आर्जिकर मेडिकल कॉलेज पहुंचकर न केवल घटनास्थल का जायजा लिया था बल्कि उन्होंने प्रदर्शन कर रहे डॉक्टर्स को न्याय दिलाने का भरोसा भी दिया था। इसके बाद राज्यपाल बोस ने कहा कि मैं पीड़ित परिवार से मिलना चाहता हूं, मैं उनके साथ हूं और हर संभव मदद के लिए तैयार हूं। उन्होंने कहा कि पुलिस और हेल्थ दोनों विभाग किसके हाथ में, यदि सीएम के हाथ में है तो ये उनका फेलियर है। इतना ही नहीं, एक और टिप्पणी उनके तरफ से आई थी जिसमें उन्होंने कहा कि कोलकाता का आरजीकर सिर्फ टिप ऑफ द आइसबर्ग है, पूरे पश्चिम बंगाल के हालात खराब हैं, पश्चिम बंगाल एक सॉफ्ट स्टेट बन चुका है। वहीं बीती 19 अगस्त को राष्ट्रपति शासन के बारे में जब उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति शासन के बारे में मैं कुछ बोल नहीं सकता, लेकिन अपनी बात तो मैं रखूंगा ही और सही जगह पर रखूंगा, राष्ट्रपति से क्या कहूंगा ये मैं बाहर नहीं कह सकता। दरअसल इस पूरे घटनाक्रम के बाद अब राज्यपाल सी वी आनंद बोस दिल्ली पहुंचे हुए हैं और उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मुलाकात की, गृहमंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा से भी वे मिले। इसके बाद ये कयास या कहीं अटकलें लगानी शुरू हो गईं कि क्या ममता सरकार खतरे में आ गई है, क्या राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है जिसकी भूमिका तैयार करने में राज्यपाल लगे हुए हैं। वैसे राज्यपाल कह रहे हैं कि कोलकाता के रेप केस और लॉ एंड ऑर्डर को लेकर उन्होंने एक रिपोर्ट भी तैयार कर ली है। अब कानून को समझने वाले इसे एक इशारे के तौर पर मान रहे हैं। वैसे बता दें कि अगर किसी भी राज्य के राज्यपाल को ये लगता है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था ठीक नहीं चल रही है तो वे उसको लेकर एक रिपोर्ट राष्ट्रपति और केंद्र सरकार को भेज सकते हैं। इसके बाद केंद्र सरकार की सलाह पर राष्ट्रपति के पास दो विकल्प भी होते हैं। पहला ये कि वो कानून व्यवस्था अपने हाथ में ले लें और दूसरा प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए। वैसे संविधान के भाग 18 के आर्टिकल 355 में इस बात का जिक्र है कि केंद्र सरकार बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से किसी भी राज्य की रक्षा के लिए कानून व्यवस्था अपने हाथों में ले सकती है। इसके अलावा आर्टिकल 365 कहता है कि जब किसी राज्य में कानून व्यवस्था पूरी तरह से फेल हो जाए तो राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके वहां पर राष्ट्रपति शासन भी लगा सकते हैं। इसके अलावा अनुच्छेद 356 का भी जिक्र संविधान में है, लेकिन इस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति शासन लागू करने की परिस्थितियों और वैधता के बारे में सुप्रीम कोर्ट के अनेक फैसलों में विस्तार से बताया गया, चर्चा हुई है। उसके अनुसार किसी एक मामले में प्रशासन और पुलिस की नाकामी या विफलता के आधार पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने का कोई भी प्रस्ताव असंवैधानिक होगा। इसके पहले भी ये कोर्ट कह चुका है कि कानून और व्यवस्था के कुछ मोर्चों में प्रशासन और पुलिस की नाकामी को संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत राज्य में संवैधानिक मशीनरी की विफलता को नहीं माना जा सकता। हालांकि मेडिकल कॉलेज में हुई जघन्य वारदात की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में ही चल रही है और इस दौरान राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की अगर कोई पहल होती है तो ममता सरकार केंद्र सरकार के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे सकती है। और अब आपको बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले पर सुनवाई जो की, इस मामले में क्या कुछ कहा, सरकार पर क्या टिप्पणियां की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पश्चिम बंगाल सरकार से कानून व्यवस्था बनाए रखने और घटनास्थल को सुरक्षित रखने की अपेक्षा उम्मीद की थी, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा कि राज्य ऐसा करने में फेल क्यों हो गया।
पेरेंट्स को पीड़िता का शव देरी से क्यों सौंपा गया, उपद्रवियों को अस्पताल में कैसे दाखिल होने दिया गया, ये भी सवाल उठाया। कोर्ट ने कहा कि ऐसा लगता है कि तड़के क्राइम का पता लगने के बाद प्रिंसिपल ने इसे सुसाइड बताने की कोशिश की। पश्चिम बंगाल सरकार को अपनी शक्ति का प्रयोग प्रदर्शनकारियों पर नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये नेशनल लेवल पर आत्मचिंतन का वक्त है। इतना ही नहीं, अदालत की तरफ से आरजी कर के प्रिंसिपल के दूसरे कॉलेज में नियुक्ति तक पर सवाल उठा दिए गए, जबकि उनका आचरण अभी भी जांच के दायरे में है। अदालत ने इस बात पर भी चिंता जाहिर की है कि पीड़िता की पहचान, उसका नाम और फोटो सार्वजनिक रूप से उजागर किए गए। डॉक्टर से रेप और हत्या के मामले में ममता सरकार पहले ही कटघरे में थी। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद आम लोगों में ममता सरकार के खिलाफ गुस्सा और बढ़ सकता है। वैसे इस घटना के बाद अब बंगाल से ही आने वाले मशहूर क्रिकेटर भी सड़क पर उतरेंगे। सौरभ गांगुली अपनी पत्नी डोना गांगुली के साथ कोलकाता में विरोध प्रदर्शन करेंगे। इससे पहले सोमवार रात पूर्व भारतीय क्रिकेट कप्तान सौरभ गांगुली ने एक्स पर अपने प्रोफाइल फोटो की जगह इसे ब्लैक कर दिया था, काला कर दिया था। दरअसल उन्होंने कोलकाता मर्डर रेप केस के विरोध में अपनी प्रोफाइल फोटो को ब्लैक कर दिया था। चलिए अब जल्दी से यह भी जान लेते हैं कि राष्ट्रपति शासन कितने दिन तक का लगाया जा सकता है। तो केंद्र के पास 6 महीने तक राष्ट्रपति शासन लगाने का अधिकार है। अगर 6 महीने से ज्यादा समय के लिए आगे बढ़ना हो तो संसद के दोनों सदनों से मंजूरी लेना जरूरी होता है, और इसे हर 6 महीने में संसद की मंजूरी से आगे भी बढ़ाया जा सकता है।